हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम अगेन इंग्लिश के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, एसएससी सीजीएल की। ये 2022 का क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें तो आपको इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, आंसर टिक करना है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखना है, ठीक है। और जल्दी से जल्दी आपको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है, जैसे आप एग्जाम में हॉल में करेंगे, ठीक है। इसके साथ ही आप चाहे तो स्टॉपवॉच भी लगा के कर सकते हैं, जिससे कि कितने टाइम में कितना क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोटरिस्ट कमिटिंग दिस इंफ्रेक्शन आर फाइंड। देखिए यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है, प्लस यहाँ पे फाइन लिखा हुआ है थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे कुछ एडवर्ब आना चाहिए। होली पूरा, होली मतलब होता है पूरा, ये सारे एडवर्ब भी हैं, ठीक है। सेम ही तरह का दे रखा है इन्होंने, एडवर्ब भी दे रखा है। होली मतलब पूरा, हार्डली मतलब शायद ही, मुश्किल से ही, ठीक है। स्लोली मतलब धीरे धीरे, हैविली तो फाइन किया गया, कैसा हैविली फाइन किया गया, तो हैविली। स्लोली, हार्डली, होली तो नहीं, ठीक है। होली में आपको कंफ्यूजन हो सकती थी, ये तो दोनों कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ही दे रखे जिसको नहीं पता है, बाकी जिसने थोड़ा ही पढ़ा है तो आराम से हैविली लगा देगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं फेयर एंड स्क्वायर। ऑनेस्टली फेयर स्किन, देखो ये फेयर स्किन के लिए तो नहीं होगा, ये तो हमें समझ आएगा। बींग वॉग या गुड लुकिंग, ठीक है। फेयर एंड स्क्वायर इसका मतलब होता है ऑनेस्टली, फेयर एंड स्क्वायर ऑनेस्टली, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आई यूज्ड टू स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग था, जब मैं छोटा था, जब मैं जवान था, व्हेन आई वॉज यंग I used to, मैं ऐसा किया करता था, used to even across the river, ठीक है, across the river मैं swim किया करता था, I will swim। अब देखो ये तो future का आ गया, मैं जब बच्चा था या young था, past की बात है, तो यहाँ पे भी past की ही बात होगी, we to के form में ही कोई चीज आएगी, past में ही आना चाहिए, past की आना चाहिए। Was swimming मैं कर रहा था, नहीं जब मैं बच्चा था मैं कर रहा था, नहीं मैं करता था ना चाहिए, तो ये दोनों नहीं आएंगे। कुड और कैन, तो कैन तो आएगा नहीं क्योंकि ये प्रेजेंट का है, ठीक है। कैन किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम देखते हैं, तो कुड आएगा। कुड किसके लिए यूज होता है, पास्ट के लिए यूज होता है। कैन जो है वो प्रेजेंट के लिए यूज होता है और कुड पास्ट के लिए। कुड प्लस वी वन प्लस अक्रॉस, ठीक है, कुड प्लस वी वन, ठीक है। तो यहाँ पे कुड आना चाहिए, बाकी नहीं आएंगे क्योंकि ये फ्यूचर का है। ये स्विमिंग कर रहा था, जब मैं यंग था तो मैं स्विमिंग कर रहा था, नहीं कर रहा था नहीं करता था, पास्ट की हैबिट बता रहे हैं। कुड स्विम अक्रॉस, अच्छा यूज्ड टू सही है क्या, तो हाँ यूज्ड टू भी किया जा सकता है, यूज्ड टू स्विम, ठीक है, मैं किया करता था, मेरी पास्ट की हैबिट है ये, ओके। आई हैव नेवर प्लेड, ये फ्रिक्वेंसी वाले आते हैं, देखो हैव ये हेल्पिंग वर्ब है, प्लेड क्या है, वी थ्री है, और इसके बीच में जो आपके आते हैं वो एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी बताता है, ठीक है। I have never played, मैंने कभी नहीं खेला any game off side this track during the season, तो ठीक है, during the season में कोई दिक्कत नहीं है। I have never played, ये भी ठीक है, any game ये भी ठीक है, off side this track, ये off side नहीं, off side मतलब away, from away, ठीक है, off side कर देना, आपने देखा O double F off side होता है वो, ऑफ साइड, ठीक है। ये ऑफ का मतलब निकलता है काकी के, तो काकी के वाला सेंस निकल रहा है, नहीं ऑफ साइड मतलब कि अवे फ्रॉम, ठीक है, तो अवे फ्रॉम किस सेंस में करना है आपको, अवे फ्रॉम में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, ये वाला ऑफ साइड दिस ट्रैक, सेकेंड वाला आपका आंसर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, वी डिसाइडेड टू As we were missing him a lot, हम उसको बहुत मिस कर रहे थे, तो हमने सोचा कि उससे मिलाएं, ऐसे ही कुछ सोचा होगा, है ना। We decided to dash, give a visit, take a visit, bring a visit, pay a visit. देखो यहाँ पे ये आपको idiom ही है, याद करना पड़ेगा। Pay a visit का मतलब होता है to go somewhere to spend time, ठीक है, to go somewhere to spend time with someone. तो मतलब basically अगर आप किसी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो उनके पास मिलने जाएं, तो उसको बोलते हैं पे हिम अ विजिट या पे अ विजिट, ठीक है, पे अ विजिट। अब देखिए हिम क्यों लगा दिया, हिम उसके लिए लगा दिया, वी डिसाइडेड टू पे हिम अ विजिट, हम उससे मिलने जाएं, एज वी वर मिसिंग हिम अलॉट, क्योंकि हम उसको मिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे इसीलिए हिम आ गया है। पे अ विजिट का मतलब क्या होता है, टू गो समवेयर टू स्पेंड टाइम विद समवन, ओके।
आपकी इसी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए जा रहे हैं। ओके नेक्स्ट है लतिका सेड टू हिम, लतिका ने उससे कहा आई गो टू हेफ्टी डिस्काउंट। ओके आई सॉरी गोरी गेट टू गॉट आपकी सेकेंड फॉर्म लगाई है, आई गोट टू हेफ्टी डिस्काउंट ऑन द टेलीविजन, ऑन दिस टेलीविजन। देखो दिस टेलीविजन का दैट टेलीविजन सब में कर दिया, इसमें नहीं किया तो ये गलत हो गया, ठीक है। दिस टेलीविजन का दैट टेलीविजन हो जाएगा, ठीक है, उस टेलीविजन पर, क्योंकि हम जब एक्टिव वॉइस में, सॉरी ये जो आपका है, हम इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में बात करते हैं, जब हम डायरेक्ट में बात करते हैं तो हम जस्ट अभी हमारे यही पास में दिस टेलीविजन यहाँ बता रहे हैं, दैट मतलब कभी और कभी बाद में बात करें, आज शाम को करें, कल सुबह करें, 4 दिन बाद, 50 दिन बाद, कभी भी कर सकते हैं। तो वो टेलीविजन जरूरी नहीं हमारे पास उस टाइम पे हो, तो हम दैट टेलीविजन बोलते हैं, ऑन दैट टेलीविजन, ठीक है। मतलब ये कोई भी चीज जिसका दैट हो जाता है। ओके सेट टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, सभी में है, हिम यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमा उसकी जगह पे क्या जाएगा, दैट आ जाएगा। अब आई, आई दे रखा, आई गॉट अ हेफ्टी डिस्काउंट, अ हेफ्टी डिस्काउंट तो सेम ही रहेगा, ठीक है, अ हेफ्टी डिस्काउंट। अब देखो हैज गॉट, इज गेटिंग, हैड गॉट, अब देखो गॉट दे रखा है, गॉट अ हेफ्टी डिस्काउंट, ठीक है, तो ये क्या है, पास्ट इंडेफिनेट, और पास्ट इंडेफिनेट में कौन सी वर्ब लगती है, पास्ट इंडेफिनेट में हमारी वर्ब कौन सी लगती है, हमारी लगती है की, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, शी हैज ये तो नहीं लगेगा क्योंकि प्रेजेंट की है, यहाँ पे इज गेटिंग ये भी नहीं लगेगा क्योंकि ये प्रेजेंट में है, ये तो खत्म ही हो गया था, ये बच्चा अकेला, पास्ट की तो सिर्फ एक ही दे रखी है, ठीक है, तो यहाँ पे ये पास्ट की गॉट और यहाँ पे हैड प्लस वी थ्री लग गया, ठीक है, वी थ्री तो सभी में आता है, इसमें वी थ्री तो आता ही है, तो वी थ्री तो आएगा ही, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट आपका देखते हैं सेवेंथ वाला, वन हु मेडिएट्स इन अ डील और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखना है इसके लिए, कि कोई ऐसा पर्सन जो मीडिएटर का काम करता है, मीडिएट करता है किसी डील में, किसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में, लाइक दो लोगों की लड़ाई हो रही है, एक मीडिएटर आ जाता है, कोई डील में एक मीडिएटर आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इक्वलाइजर होता है, सॉलिसिटर, सॉलिसिटर बेसिकली एडवोकेट वगैरह जो होता है उसको सॉलिसिटर बोलते हैं, वकील, पैसिफायर जो लड़ाई को शांत करता है, पैसिफाई करता है, तो ये भी नहीं होगा, शांत कराने वाला नहीं है ये, सॉलिसिटर भी नहीं है, इक्वलाइजर जो इक्वल करे, ठीक है, इक्वलाइज करे, नेगोशिएटर, नेगोशिएटर होता है, ठीक है, आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो नेगोशिएटर को बीच में करते हैं एक, ठीक है, तो वो नेगोशिएटर होता है, मीडिएटर, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एंटोनिम्स, एंटोनिम एम्बिशन, मेरा एम्बिशन है, ठीक है, एम्बिशन, एम्बिशन का एंटोनिम क्या हो जाएगा, इंटेंट, इंटेंट। अच्छा अभी आजकल एक वेब सीरीज आई हुई है संदीप भैया वाली, तो उसमें वो बहुत वर्ड यूज कर रहे हैं, इंटेंट, इंटेंट होना, किसी एस्पिरेंट का इंटेंट होना चाहिए, ठीक है, तो आप मुझे भी बताइए इसका क्या मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट एंजाइटी, एंजाइटी मतलब एंजाइटी डिप्रेशन, आप परेशान है, एंजाइटी है आपको, तो एंजाइटी, तो ये, इसके बाद ऑब्जेक्ट ये होगा, लेजीनेस ये होगा, मेरा एम्बिशन है तो लेजीनेस इसका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि एंटोनिम पूछा गया है, एंजाइटी बिल्कुल डिफरेंट हो रहा है, कोई मतलब नहीं इसका, ठीक है। ऑब्जेक्ट किसी चीज को बोलते हैं, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मेरे सामने लैपटॉप रखा हुआ है, दैट इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे एम्बिशन का क्या हो जाएगा, लेजीनेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेजीनेस। ओके इंटेंट का आप मुझे मतलब बताइए। ओके नेक्स्ट है रीता वॉज मोशनलेस आफ्टर नोइंग, सिनोनिम बताना है आपको स्टेगनेंट का, स्टेगनेंट का सिनोनिम मैंने कई बार आपको बताया, स्टैगफ्लेशन बताया था मैंने, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, इस तरह का एक और वर्ड आता है स्टैगफ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब कि बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ रही है, स्टैगफ्लेशन ऐसा ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें महंगाई तो बढ़ रही है बट साथ में बेरोजगारी भी है, स्टैगफ्लेशन, ठीक है, ग्रोथ उतनी तेज नहीं बढ़ी, क्योंकि इन्फ्लेशन होता है तो ग्रोथ होती है बट ग्रोथ उतनी तेजी से ना बढ़े इन्फ्लेशन के साथ साथ, तो उसको बोलते हैं आप स्टैगफ्लेशन। सेम इसी तरह से एक वर्ड आता है स्टैगनेंट, स्टैगनेंट, तो यहाँ पे स्टैगनेंट मतलब कि रुका हुआ, बेसिकली वही हो गया, ठीक है, तो स्थिरता, गतिहीन, जिसमें बहुत ज्यादा गति ना हो, सिनोनिम मोशनलेस जिसमें गति ना हो, दैट इज मोशनलेस, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। फैटल, ठीक है, फैटल का मतलब क्या होता है, मैं कई बार बता चुकी हूँ, अब आपको ये पता ही है, अनस्टेबल, अनस्टेबल, स्टेबल ना होना मतलब स्थिर ना होना, अनस्टेबल होता है, एक्सीडेंट अचानक या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, एक्सीडेंटली आप किसी से मिल भी जाते हो तो वो सब चीज। दैट हर ब्रदर हैड बिकम मेंटली अनस्टेबल, यहाँ पे अनस्टेबल आफ्टर सीइंग द फैटल एक्सीडेंट, एक बहुत खतरनाक एक्सीडेंट देखने के बाद ऑन ट्यूजडे नाइट, ठीक है, तो ये सारे के सारे दे रखे थे, उसमें आपको ये मोशनलेस जो है वो स्टेगनेंट का सिनोनिम है।
नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट ईयर, लास्ट बिफोर ईयर शिरली गॉट वेरी गुड ग्रेड्स. लास्ट बिफोर ईयर मतलब कि एक साल पहले, इस साल से पहले वाले साल में जो शर्ली थी उसको अच्छे मार्क्स मिले थे, ऐसा बोलना चाह रहे हैं क्योंकि गॉट लिखा हुआ है. शर्ली गॉट वेरी गुड ग्रेड्स. और लास्ट बिफोर ईयर या लास्ट ईयर बिफोर ईयर क्या बोलना चाह रहा है ये, मतलब कि इस वाले ईयर से पहले वाले ईयर में उसको अच्छे मार्क्स मिले थे. तो द लास्ट ईयर बिफोर, बिफोर लास्ट ईयर, ईयर बिफोर लास्ट या बिफोर बिफोर ईयर लास्ट. अब देखो यहाँ पे आप खुद कर सकते हैं, बिफोर ईयर लास्ट ये तो होगा नहीं, लास्ट ईयर द ईयर बिफोर लास्ट, बिफोर लास्ट ईयर लास्ट, द ईयर बिफोर लास्ट ईयर, द ईयर बिफोर लास्ट ईयर शर्ली गॉट गुड मार्क्स, एक लास्ट ईयर के पहले वाले साल. तो ये आपका सही सेंस निकल रहा है, तो आपका थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा. ओके क्या कहना चाह रहा है सेंटेंस ये चेक करेंगे तो आप आंसर अच्छे से कर पाएंगे. नेक्स्ट, द न्यू ओनर्स हायर्ड अ लॉट ऑफ न्यू सर्वर्स. न्यू ओनर्स हायर्ड ने हायर किए लॉट ऑफ न्यू सर्वर्स, अ लॉट ऑफ न्यू सर्वर्स, नए बहुत सारे नए सर्वर्स हायर किए. अ लॉट ऑफ न्यू सर्वर्स, अच्छा सर्वर्स कैसा है, प्लूरल है, तो आपका यहाँ पे ये चीज प्लूरल आएगी. आर आएगा क्या, देखो यहाँ पे वी टू है तो यहाँ आर और आर तो आएंगे नहीं, ये तो हट गया. वर हायर्ड, देखो वी टू है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वॉज वर आ जाता है प्लस वी थ्री आ जाता है, तो हैड वर हायर्ड, यहाँ पे हैड बीन हायर्ड कब होगा, हैड बीन हायर्ड आपका, जस्ट वेट, ओके हैड बीन हायर्ड कब होगा, जब यहाँ पे हमारी ये परफेक्ट की लग गई है, तो हम प्रेजेंट वाला जो टेंस, सॉरी पास्ट इंडेफिनेट वाला जो टेंस होता है उसमें पास्ट परफेक्ट की नहीं लगाते हैं. ठीक है, पास्ट परफेक्ट की आपकी ये जो हैड प्लस वी थ्री, ठीक है, तो ये आप नहीं लगाओगे, कॉन्टिन्यूस वाली वर्ब लगाते हो तो ये आपका सही हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस वाली वर्ब लगाते हैं. ठीक है, ओके अच्छा यहाँ पे प्रेजेंट में भी सेम होता है, जब मैं प्रेजेंट बोल रही थी वो भी सही बोल रही थी, प्रेजेंट में भी सेम इसी तरह का रूल फॉलो करते हैं. ठीक है, पास्ट इंडेफिनेट होता है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस की लगा देते हैं, और पास्ट परफेक्ट होता है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की लगा देते हैं, सेम इसी तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का अगर इनडायरेक्ट में चेंज आपको चेंज करना है यहाँ पे प्रेजेंट का, तो प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूस की लगा दोगे वर्ब, और प्रेजेंट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की वर्ब लगा दोगे. ठीक है, एक्टिव से पैसिव वॉइस में. ओके नेक्स्ट है, नो स्पेलिंग एरर अगर है तो वो बताना है, नहीं तो फिर किसी सेंटेंस को इसमें से चूज करना है. देखिए, आई हर्ड ओके इस वर्ड में स्पेलिंग करेक्शन आपको बताना है. ठीक है, आर ए यू सी यू एस, आर ओ यू सी यू सी ओ यू एस. ठीक है, आर ए यू सी ओ यू एस, आर ए यू सी ओ यू एस, रॉकस, आर ए यू सी ओ यू एस, लाफ्टर फ्रॉम द नेक्स्ट रूम. ठीक है, ये वाली स्पेलिंग आपकी सही है, इसका मतलब होता है बहुत कर्कश आवाज सुनी, बहुत कर्कश. ठीक है, रॉकस, आर ए यू सी ओ यू एस, रॉकस, आर ए यू रॉकस सी ओ यू एस. ठीक है, ये स्पेलिंग सही होती है, बाकी सब में गलत था. ठीक है, नेक्स्ट रूम से उसको बहुत कर्कश आवाज सुनाई दी, लाफ्टर हंसी सुनाई दी बहुत कर्कश. ओके नेक्स्ट देखते हैं, देयर देयर इज अ ह्यूज जनरेशन वॉइड. वॉइड का यहाँ पे सिनोनिम बताना है, बिटवीन अरुण एंड हिज ग्रैंड पेरेंट्स. अरुण और उसके ग्रैंड पेरेंट्स के बीच में ह्यूज जनरेशन गैप है. सिंपल, वॉइड मतलब नल, नल मतलब जो कुछ नहीं है, इसका सिनोनिम क्या होता है, गैप. और ह्यूज जनरेशन गैप है, आपको भी पता है आपके पेरेंट्स और आपके बीच में, आपके ग्रैंड पेरेंट्स और आपके बीच में ह्यूज गैप है, जनरेशन गैप. ट्रेडिशन, मेमोरी, एक्सपीरियंस ये सारे तो वैसे ही कट जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट है पैरल. पैरल मतलब आपका दुश्मन ऐसा बोल सकते हो या गलत चीज. तो द पैरल्स ऑफ स्मोकिंग टोबैको कैन नेवर बी इग्नोर्ड. द पैरल्स ऑफ स्मोकिंग टोबैको कैन नेवर बी इग्नोर्ड. डिलाइट का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुशी है आपको. ठीक है, तो डिलाइट तो नहीं होगा क्योंकि सिनोनिम बताना है. बेनिफिट्स, इसके बेनिफिट इसके एंटोनिम हो जाता अगर बेनिफिट बताना है. हजार्ड्स, इसके हजार्ड्स. ठीक है, ह्यूमिलिएशन, आप किसी को ह्यूमिलिएट करते हो, उसको उसकी उसको एम्बेरस करते हो, दैट इज ह्यूमिलिएशन. बट यहाँ पे हजार्ड्स आएगा. ठीक है, ओके. आई एम वर्किंग हियर फॉर द पास्ट 10 ईयर्स. ठीक है, मैं यहाँ पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आपने टाइम पीरियड बता दिया, तो आई एम बीन आएगा या आई हैव बीन वर्किंग हियर. आई हैव बीन वर्किंग हियर. ठीक है,
वीन के साथ हैव आता है, इज और वॉज, ये सब तो नहीं आएगा, या फिर हैड बीन वर्किंग हियर आएगा, आई हैड बीन वर्किंग हियर, या आई हैव बीन वर्किंग हियर, आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर द पास्ट 10 ईयर्स, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ पिछले आपके 10 साल से, ठीक है, आई एम ना कि आई हैव आएगा, हैड आता तो कर रहा था, सेंस उसका अलग हो जाएगा। वहां प्रेजेंट में दे रखा है तो हम प्रेजेंट में ही कोशिश करेंगे बनाने की। सीइंग माई मैसी रूम माई मदर टॉट मी टू कीप एवरीथिंग इन ऑर्डर, मेरा मैसी रूम देख के मेरी माँ ने मुझसे बोला कि सब चीजें आप सही करके रखो, इन ऑर्डर, नाउ माई रूम इज क्लीन एंड क्लियर, इस तरह का कुछ बोलना चाह रहा है। ऑन डिमांड ऑफ नो अवेल स्पाइक SPIC एंड स्पेन, इसका मतलब होता है क्लीन एंड क्लियर, ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट हम चलते हैं देयर, अच्छा ये idiom आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है, दो तीन idiom आते हैं एग्जाम में। देयर इज अ होल वर्ल्ड, ओके, देयर इज अ होल वर्ल्ड आउट देयर दैट इज इनविजिबल फ्रॉम द नेक डाई, देयर इज होल वर्ल्ड, देयर इज होल वर्ल्ड आउट आउट देयर, ओके, आउट देयर दैट इज इनविजिबल, जो इनविजिबल है फ्रॉम द नेक्ड आईज, फ्रॉम द नेक्ड आईज, ठीक है, तो देयर इज अ होल वर्ल्ड, ठीक है, ये तो सही है, इसमें कोई गलती नहीं दिख रही, देयर इज अ होल वर्ल्ड आउट देयर, देयर इज अ होल वर्ल्ड आउट देयर, ठीक है, दैट इज इनविजिबल फ्रॉम नेक्ड आई, ठीक है, दैट इज इनविजिबल, जो इनविजिबल है फ्रॉम नेक्ड आईज, यहाँ पे फ्रॉम जो हम यूज करते हैं वो किसी प्लेस को रेफर करने के लिए यूज करते हैं, अगर आप किसी चीज को इंडिकेट कर रहे हो, किसी पर्सन को इंडिकेट कर रहे हो, तो आप फ्रॉम ना लगा के उसकी जगह पे क्या लगाते हो, टू लगाते हो, ये मैं कई बार बता चुकी हूँ, आप यहाँ पे टू लगाते हो, फ्रॉम की जगह हम टू लगाएंगे, तो कौन से वाले में है, इस सेकंड वाले में, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं दे हैड दे नॉट क्लियर द एग्जाम, दे हैड नॉट क्लियर द एग्जाम, ऐसा मान के चलिए दे सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड आपकी हेल्पिंग वर्ब थी जो आगे आ गई, और फिर नॉट प्लस V3 है, उसके बाद द एग्जाम ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आओ, तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह ले आए, ठीक है, हैड प्लस नॉट प्लस V3 है, तो हैड प्लस नॉट प्लस V3 है, मतलब कि परफेक्ट वाला है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का लग जाएगा, ठीक है, बाय देम आ जाएगा सब में, तो क्लियर सब में आ गई, और उसके बाद बीन सब में आ गया, ठीक है, यहाँ पे अब हैव आएगा, इज आएगा क्या, इज तो नहीं आएगा, देखो आपको पता है क्योंकि यहाँ हैड है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी हैड ही आता है, तो यहाँ हैव दिख रखा है, यहाँ पे देखो एग्जाम सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हैव आएगा या हैज आएगा, ठीक है, तो हैज आना चाहिए, तो हैज के हिसाब से हैड आना चाहिए, या वॉज भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे हैड आपका आएगा ना कि हैव, ओके, हैव तो वैसे भी प्रेजेंट में दे रखा है, तो ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन, इसमें देखिए इन टोक्यो, टोक्यो में दे बिल्ड एन एक्सप्रेस वे, उन्होंने एक एक्सप्रेस वे बनाया लिंकिंग द इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू हनेडा टू द सेंटर एंड वाइडेंड सम ऑफ द सिटीज मेजर आर्टरीज, ठीक है, तो इन टोक्यो, टोक्यो में बनाया उन्होंने, है ना, दे बिल्ड, किनने बनाया वो पता चलेगा आगे, तो इसको पहला हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इसको करेंगे तो दे कौन कुछ पहले बताया, बताओ ना, दे दे के लिए दे क्या है, प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन के लिए पहले नाउन कहीं ना कहीं लगी होगी, तब हम प्रोनाउन की बात करेंगे, ठीक है, तो हम इसको पहला नहीं करेंगे। नेक्स्ट है दीज इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट्स, तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ पहले बताया जाना चाहिए, कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट्स, तो ये भी फर्स्ट नहीं होगा, ओके, फिर टोक्यो 2020 वॉज सपोज्ड टू बी अ ग्रेट इकोनॉमिक स्टिमुलस रेप्लिकेटिंग द अचीवमेंट्स ऑफ टोक्यो 1964, ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है ये वाला, तो अभी देख लेते हैं इट वॉज, अब इट वॉज ये भी नहीं आएगा क्योंकि इट से स्टार्ट हो रहा है, तो आपका एस भी नहीं है, इट वॉज थैंक्स टू, ओके, टू होस्टिंग दैट ओलंपिक्स दैट जापान, देखो इसके बाद अगर हम बात करें तो ये आ सकता है, इसकी बात हो रही, इट वॉज थैंक्स टू टू होस्टिंग द ओलंपिक्स दैट जापान इन्वेस्टेड द इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज द फेमस सिंचन बुलेट ट्रेन, उसके बाद मतलब आर के बाद आपका एस आ जाए, और एस के बाद क्या पी आ सकता है, तो हाँ टोक्यो में उन्होंने उसके लिए एक्सप्रेस वे बनाया जो लिंक कर रहा है इसको, एंड ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, ये ट्रेन और ये आपका एक्सप्रेस वे, वो उसने इम्प्रूव किया है, ठीक है, इम्प्रूवमेंट्स हेल्प की है, सॉरी जिसने हेल्प की है टू ब्रिंग अबाउट द जैपनीज इकोनॉमिक मिरेकल ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ द डिकेड्स, ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं 20th क्वेश्चन। जल्दी जल्दी से 5 क्वेश्चंस और अटेम्प्ट करते हैं। अकरेंस जो है उसमें आपको स्पेलिंग करेक्शन बताना है। अकरेंस OCCURENCE अकरेंस। ओके ANCE दे रखा है यहाँ पे, ENCE होता है, CCR तो ठीक दे रखे हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस में एरर आती है जनरली। ANCE ना होके क्या होता है, ENCE, CCR होते हैं इसमें, याद रखिएगा CCR होते हैं। यहाँ पे एक सी दे रखा था, यहाँ पे भी एक सी दे रखा था, तो यहाँ पे डबल सी दे रखे थे। तो पहले वाला ये सी और ये आर, तो ये दो दो होते हैं, ये वाला सी तो एक ही होता है, ठीक है, तो अकरेंस होती है इसकी। चलिए नेक्स्ट अब कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस करते हैं। ये 5 क्वेश्चन और है, 21st क्वेश्चन, पहले इसको पढ़िए। देखिए, एकेडमिक लाइफ हैज डैश डिमांडिंग फॉर स्टूडेंट्स एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशंस। हैज के साथ क्या आता है, एक्टिव वॉइस में आपका हैज के साथ V3 आता है, इज एम आर के साथ ING आता है, ING फॉर्म आती है, कॉन्टिन्यूस होता है, और हैज हैव के साथ आपका आता है V3, ठीक है, हैज हैव के साथ V3। ये देखिए एस लगा हुआ है तो ये तो आएगा नहीं, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस में लगेगा, प्रेजेंट सिंपल में, तो ये नहीं होगा। बिकेम सेकेंड फॉर्म होती है तो ये पास्ट इंडेफिनेट में लगता है, ये भी नहीं होगा। विकम थर्ड फॉर्म होती है तो ये हो जाएगा, याद रखिए विकम विकीम विकम, तो यहाँ पे विकम थर्ड फॉर्म होती है तो ये हो जाएगा। विकमिंग ये इज एम आर होता है तब लगता है। हैज प्लस V3 डिमांडिंग फॉर स्टूडेंट्स एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशंस। टीजर्स आर स्पेशली, आर लगा हुआ है तो ING फॉर्म लगती है, या तो या फिर आप प्रेजेंट में कर रहे हो तो यही आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम करेगी, अगर ये प्रेजेंट सिंपल है तो। आर स्पेशली डैश टू एकेडमिक स्ट्रेस बिकॉज दे गो थ्रू सो मैनी पर्सनल एंड सोशल चेंजेस। एज अ रिजल्ट डिजाइनिंग इफेक्टिव एंड एफिशियंट डैश सोल्यूशंस रिक्वायर्स अ थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एकेडमिक स्ट्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेकेंड देख लेते हैं, 22nd का। स्पेशली टू स्पेशली स्केयर्ड प्रोन लाइबल या रेसिस्टेंस। देखिए रेसिस्टेंस तो नेगेटिव वर्ड हो गया, ये तो आएगा नहीं। लाइबल टू, टीनेजर्स आर स्पेशली लाइबल टू एकेडमिक स्ट्रेस, या यहाँ पे टीनेजर्स आर स्पेशली प्रोन टू एकेडमिक स्ट्रेस, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्रोन टू एकेडमिक स्ट्रेस ना कि लायबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका, सेकंड वाले में प्रोन आ जाएगा। ओके, प्रोन टू एकेडमिक स्ट्रेस बिकॉज दे गो थ्रू सो मैनी पर्सनल एंड सोशल चेंजेस, उनको बहुत सारे पर्सनल एंड सोशल चेंजेस से गुजरना पड़ता है। ओके, दैट्स व्हाई दे आर मोर प्रोन टू एकेडमिक स्ट्रेस। नेक्स्ट है आपका, एज अ रिजल्ट डिजाइनिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट सॉल्यूशंस। इस वजह से इफेक्टिव एंड एफिशिएंट डैश सॉल्यूशंस बनाए जाने चाहिए। रिक्वायर अ थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एकेडमिक स्ट्रेस, मतलब जिससे कि एकेडमिक स्ट्रेस कम हो, इस तरह के कुछ इफेक्टिव एंड एफिशियंट सोल्यूशंस लाए जाए। कोलेट्रल, इंटरवेंशन, कन्वेंशन या फिजिकल। फिजिकल सोल्यूशन तो आएगा नहीं, देखिए। ओके, कोलेट्रल मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा या सब्साइडरी कोलेट्रल। ठीक है, तो यहाँ पे आना क्या चाहिए, कन्वेंशन, इंटरवेंशन, तो इंटरवेंशन या कन्वेंशन, तो यहाँ पे कन्वेंशन वर्ड आएगा। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे, सॉल्यूशंस ये क्या है, नाउन है। ठीक है, ये नाउन है और उससे पहले ये उसकी क्वालिटी बता रखी है, इफेक्टिव इफेक्टिव एंड एफिशियंट, फिर यहाँ पे आपको एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है, एंड फिर उसका आएगा आपको सॉल्यूशन जो कि रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्स, यहाँ पे ये वर्ब हो गई, आर थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जाम्स आर ऑफ द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, एग्जाम स्ट्रेस। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है, एग्जाम्स आर वन ऑफ द डैश एस्पेक्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ। वन ऑफ द डैश एस्पेक्ट्स, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, या ईगर, ईगर एस्पेक्ट तो होगा नहीं, क्रूशियल एस्पेक्ट हो सकता है, मोर अर्जेंट ये भी नहीं होगा, इम्पॉर्टेंट हो सकता है या क्रूशियल हो सकता है। तो जो एग्जाम्स हैं वो क्रूशियल हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों हो सकते हैं, लेकिन कौन सा हुआ, यहाँ पे लगा हुआ है द, और द किसमें लगता है, सुपरलेटिव डिग्री में, तो यहाँ पे मोर आएगा या मोस्ट आएगा, तो मोस्ट आएगा, मोर नहीं आएगा, क्योंकि मोर किसमें लगता है, कंपैरेटिव डिग्री में। तो वन ऑफ द, जब हम बहुत सारे हैं उनमें से एक की बात करते हैं तो हम सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं,
लगाते हैं? सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट आता है और आगे उसके द आता है, तो यहाँ द तो दे ही रखा है, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे? मोस्ट। मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट है ऑफ एवरीवन्स लाइफ। ठीक है, तो ये हो गया। एग्जाम्स आर स्ट्रेसफुल फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए स्ट्रेसफुल होते हैं, वेदर दे आर स्टूडेंट्स हो या एडल्ट्स हो, बिकॉज एवरीवन वांट टू परफॉर्म वेल एंड नो वन वांट्स टू फेल एज टू अवॉइड इन फ्यूचर, अवॉइड डैश इन फ्यूचर। अवॉइड क्या? कुछ इस तरह की कोई एम्बिग्युटी। हाँ, तो ये एम्बिग्युटी हो सकता है। स्नीक, वंडरलस्ट और पर्पस, तो पर्पस तो होगा नहीं, वंडरलस्ट भी नहीं होगा। स्नीक मतलब होता है बेसिकली कायर, डरपोक, तो ये भी नहीं होगा। एम्बिग्युटी, किसी भी तरह की एम्बिग्युटी फ्यूचर में ना हो, इसके लिए हर कोई, हर स्टूडेंट हो या एडल्ट हो, उन सभी के लिए जो एग्जाम्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं और उसमें अच्छा परफॉर्म करना चाहता है हर कोई, तो यहाँ पे एम्बिग्युटी आ जाएगा। ओके, टू अवॉइड एम्बिग्युटी इन फ्यूचर। ओके, यहाँ पे ये 25 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 25 में से आपका स्कोर कितना है, कितना स्कोर है और किस कितने टाइम में आपने 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।